हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हवालन तैयारी में। हम चीज़ों को धीरे धीरे बनाना सीख रहे हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को मैंने 5 मेथड से बना के बताया था। अब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन को इस तरीके से 5 मेथड से, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। बस आपको यही करना है दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने इससे अच्छा क्वेश्चन सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड कोई नहीं देखा है आज तक। तो ये बहुत ही पावरफुल थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम। ये इंजीनियरिंग सर्विस UPSC का पेपर 1994 में पूछा गया था। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस दुनिया में आए ना हो इस टाइम में, लेकिन उस टाइम में भी इतना बढ़िया क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ, 30 सेकेंड आपको बना के बताना है। चलिए, आपको क्या करना है, क्या बताना है। देखिए, यहाँ का करंट बराबर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस तरीके से। ये करंट बताना है 2 ओम के क्रॉस कितना करंट है। चलिए जल्दी से, इसको बना के बताना है दोस्तों जल्दी से। ये 1 एम्पियर का है, ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स है, 1 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स। चलिए, टाइम अप हो गया, इतना ही टाइम रहता है आपके पास। अगर ये जिनको जिनसे बन गया समझ में आया, वेरी गुड। जिनसे नहीं बना, देखिए ध्यान से, सुपर पोजिशन थ्योरम क्या बोलता है हमारा कि टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम। तो एक सोर्स को एक समय लेना है, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। अब ये जो है, अगर मैं इसको रीड्रॉ करूंगा तो ये क्या चीज़ है आपको, देखिए बताइए, आप लोग खुद ही बताइए। ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, ब्रिज की इस तरीके से कनेक्टेड है। अब आप बताइए, दो 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 और दो और ये दो है ना, तो ये यहाँ पर क्या करंट होगा बताइए आप ही। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, वे ब्रिज बैलेंस है, तो बीच में कोई करंट फ्लो होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ का करंट I डेज बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ड्यू टू 1 वोल्टेज सोर्स के कारण। तो 1 वोल्ट का काम खत्म। अब क्या करना है आपको, इसको दूसरे वाले को कनेक्ट कर दीजिए, 1 एम्पियर को। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इस तरीके से, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट हो गया, अब बस आपको क्या करना है, देखिए ये दोनों, इस पॉइंट और ये पॉइंट कम एक ही पॉइंट है, तो ये दो और ये दो किस में आ जाएंगे। देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से शॉर्ट सर्किट कर दूँ इस तरीके से, और यहाँ पर आपका करेंट सोर्स लगा दूँ 1 एम्पियर का, तो देखिए दो और दो किसमें हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है ना। देखिए ध्यान से, ये दो और ये दो समांतर क्रम में है ना। उसके बाद देखिए, इसके बाद इस तरीके से ये लगा हुआ है हमारा 2 ओम का, इस तरीके से लगा हुआ है। तो 2 पैरेलल 2 कितना हो गया, 1 हो जाएगा। देखिए, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे इन दोनों को इस तरीके से, तो 2 पैरेलल 2 ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये 2 पैरेलल 2 कितना हो गया, 1, और ये 1 और ये 2, तो 1 और 1, और ये यहाँ से करंट सोर्स है, तो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर ये 2 हो गया, ये भी 2 है, तो अगर 1 एम्पियर का करंट आप भेजेंगे, तो 1 एम्पियर दो भाग में इक्वल डिवाइड होगा, तो दो इक्वल भाग में डिवाइड होगा, तो ये यहाँ पर 1/2 एम्पियर आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 एम्पियर आ जाएगा। तो टोटल I बराबर क्या हो जाएगा, I डैश प्लस I डबल डैश, तो 0 + 1/2 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। अगर आप कोई भी दूसरा टेक्निक लगाते हैं दोस्तों, तो इतना जल्दी से आपसे नहीं बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मेरे को फेवरेट क्वेश्चन है सुपर पोजिशन थ्योरम का, जो कि हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन IAS 2001 में आया था, और ये क्वेश्चन हमारा IAS 2004 में पूछा गया था, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2004 में पूछा गया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि थेवनिन्स और नॉर्टन से पूछे गए हैं। मैं एक बार क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक एक थ्योरी जो आए हुए हैं, फिर आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराऊंगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे कंसेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर हों। चलिए, आपके पास 30 सेकंड दे रहा हूँ, इसको बना के बताना है आपको कि इसमें RTS क्या होगा, और इसमें आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना के बताना है। कुल मिला के आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको बना के बताने हैं। जल्दी से, फास्ट जल्दी बनाइए इसको।
वेरी गुड, जिनसे आंसर आ गया, जिनसे आंसर नहीं आया देखिए दोस्तों, है ना, क्या करना है हमको इसका RTH फाइंड आउट करना है। RTH के केस में क्या होता है, हमारा करंट सोर्स को शॉर्ट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। तो अगर यहाँ से मैं ऐसे करंट भेजूँगा तो इसमें खाली 2 ओम वाला आएगा ना, यहाँ तो आएगा नहीं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा RTH बराबर 2 ओम हो जाएगा। बहुत ही आसान है, देखते साथ आपका आंसर आएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर है। इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, घबराने वाली बात नहीं है कि हमसे नहीं बन रहा है, बनेगा दोस्तों, बनेगा। हमारे जैसे ही लोग तो क्वेश्चन बनाए हैं, हमारे जैसे लोग ये आंसर देंगे, हमारे जैसे लोग सब चीज़ हैं, है ना, किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं है। भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिया है, आप 24 घंटे को कैसे यूज करते हैं अब आपके ऊपर है, चाहे आप मूवी देख दीजिए, जो करना है कर दीजिए, आपके पास 24 घंटे हैं। और ये सोचते हो कि एग्ज़ाम के लिए 1 साल बाद होगा, तो हमारे पास 1 साल है, तो आप 24 घंटे में कितना घंटे पढ़ते हैं, 24 घंटे पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते ना, 12 घंटे मैक्सिमम पढ़ेगा तो 12 घंटे, तो अगर 1 साल है तो मानो 6 महीने टाइम है तुम्हारे पास, और 6 महीना है तो 3 महीने समय है, बाकी टाइम तो तुम घूम के, है ना, सो के बिता देते हो ना दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, है ना, कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हैं उसके हिसाब से। चलिए इसको बनाना है हमको, तो सबसे पहला स्टेप देखिए, इसको ये इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको बनाना है हमको, RTH निकालना है और VTH निकालना है। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे बनाते हैं हम, आप सीखिए, अभी आपको लिखना नहीं है, अभी आपको देखना है और सीखना है। जब मैं बोलूँ लिखना है तब लिखिए, अभी आपको केवल देख के सीखना है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। देखिए तो सबसे पहले हमको क्या करना है, RTH निकालना है। RTH इज नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट पूछा है, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है। तो क्या निकालेंगे आप लोग, RTH निकालेंगे, RTH के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट कर देते हैं, इसको भी शॉर्ट कर देते हैं। तो ये दोनों किस में है, 40 और 60 किस में है, पैरेलल में है, तो 40 और 60 को जोड़ देंगे तो सब आ जाएगा। इस तरीके से जिन लोग का 24 ओम आया है, वेरी गुड, ये हमारा RMT होगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपको यहाँ इसको शॉर्ट सर्किट कर देना है और यहाँ से करंट निकालना है आई, यही हमारा क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, यही हमको हमारा नॉर्टन करंट है। बहुत आसान है, देखिए अगर जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, इसको रीड्रॉ करके बता रहा हूँ। देखिए जिन लोग को उसमें दिक्कत हो रहा है, देखिए इधर ध्यान से, ये इस तरीके से है, अब आप समझ गए होंगे, इस तरीके से, अब ये जो है यहाँ से इस तरीके से शॉर्ट सर्किटेड है, कितना है 40 है, 120 है, और ये कितना है 60 है, और ये भी आपका 60 है। अब आप आराम से निकाल सकते हैं इसका यहाँ से INT, तो INT आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद तो आप अब यहाँ जिसको भी तकलीफ है इसको में, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। सुपर पोजिशन थ्योरम देखिए कैसा हो जाएगा, एक सोर्स को एक टाइम लेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ से इस तरीके से करंट फ्लो होगा ना, केवल यहाँ से यहाँ जाएगा, शॉर्ट सर्किट पास यहाँ हो जाएगा नहीं, तो 120/40 करेंगे तो हमारा करंट कितना आ जाएगा, IDH बराबर 3 एम्पियर हो गया, और यहाँ से अगर इस हम इसको शॉर्ट करेंगे तो हमारा 60/60 कितना हो गया, IDH 60/60 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 एम्पियर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 4 एम्पियर का करंट होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 ओम एंड 4 एम्पियर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आपको इक्विवेलेंट सर्किट पूछा है, इक्विवेलेंट सर्किट पूछा है तो आपको केवल क्या करना है, RTH या NTH बताना है और INC बताना है। तो ये यहाँ पर याद रखेंगे, यदि शॉर्ट सर्किटेड है तो इसका मतलब नहीं रहता, है ना, इसको लेंगे तो केवल ये ऐसे जाएगा और इससे यहाँ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको स्क्रीन शॉट खींच लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हमको करना है, ये क्वेश्चन आपका IAS 2010 में पूछा गया था,
तो इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको 5 मेथड से बताने वाला हूँ। मैंने आपको जैसे वादा किया था, मैंने आपको क्वेश्चंस कराऊंगा करके बोला था, तो मैं आपको क्वेश्चंस को कराऊंगा। मैं कुछ क्वेश्चंस अभी कराया हूँ, जिससे आपने देखा कि सुपरपोजिशन थ्योरम का कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम थेवेनिन्स का यूज कर सकते हैं, कैसे हम नॉर्टन्स का यूज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमको 5 मेथड से बनाना है। चलिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं नोडल मेथड से। चलिए हमको यहाँ करंट निकालना है। नोडल विधि आप जानते हैं इसको, करंट को इस तरीके से तो V माइनस कहता हूँ, जाकर देखिए नोडल से V माइनस 4/3। यहाँ से जा रहा है तो ये माइनस 1 और ये V बाई 1 इक्वल टू 0। इसका LCM कितना आ जाएगा, 3 × 1 का 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो V माइनस 4 माइनस 3 प्लस 3V इक्वल टू 0। ये 4V 3 × 1 = 4 हो गया, 4 × 3 = 7 तो बराबर 7 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7/4। तो यहाँ से करंट बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1/1 है तो कितना हो जाएगा, करंट बराबर V/1 बराबर हमारा 7/4 एम्पियर ही होगा। 7/4 मतलब कितना होगा, 4 × 1 = 4, 3 × 4 = 28, 4 × 5 = 20, तो 1.75 लगभग आपका आ रहा है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत है, क्योंकि नोडल एनालिसिस हमको सबको आता है। चलिए मैं इतना मान के चलता हूँ, इतना भरोसा है मेरे को, इतना तो आपको आता है। चलिए तो ये हमारा नोडल मेथड से हो गया। अब सेम चीज़ को हमको बनाना है, आपको देखना है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, है ना, नो नीड टू राइट, आपको केवल अब देखना है मैं कैसे कर रहा हूँ चीज़ों को, बस आपको देखना है तो बस आपको देखते रहना है कैसे कर रहा हूँ। अब इसी चीज़ को हमको बनाना है किससे, मेश से बनाना है। तो मेश में देखिए बीच बीच में फिर से आके क्या आ गया हमारा, मेश मेथड से बनाएंगे। हमारा आंसर कितना आया था, 1.75 आया था, नियरली 0.8 लेते हैं, 1.8 है ना, तो 1.75 ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। या आपका क्या आया था, 7/4 आया था, तो ये भी ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है ना। चाहे पॉइंट में कन्वर्ट करना है पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, या आपको जैसे भी करना है करिए। चलिए मेश, मेश में क्या मानते हैं हमको, इसको मान लेते हैं I1 करंट, इसको मान लेते हैं I2 करंट। तो फिर बीच में करंट सोर्स आ गया ना, तो फिर से क्या लगाएंगे, यहाँ पर सुपर मेश का कंसेप्ट लगाएंगे। तो सुपर मेश में कैसे बनाते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, सुपर मेश में इसको क्या कर देते हैं हम लोग, ओपन सर्किट कर देते हैं इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हो गया। ये 4 वोल्ट, 3 ओम और ये 1 ओम। अब आपको जानते हैं इसमें करंट कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से ऐसे, है ना, तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ कौन सा करंट फ्लो रहा है, I1 करंट फ्लो रहा है, यहाँ पर I2 फ्लो रहा है, पूरा किरचॉफ वोल्टेज लगा के ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, क्या होगा, +4 + 2 - और ये क्या हो जाएगा, +2 - -3 I1 +2 - -I2 बराबर 0 हो जाएगा, 3 I1 + I2 = 4, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। वैसे यहाँ पर देखिए यहाँ से कितना करंट जा रहा है, I1 जा रहा है यहाँ से 1, तो I1 + 1 KCL लगाएंगे यहाँ पर, ये हमारा KVL था, 1 + I1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर I2, यहाँ से I1 - I2 बराबर कितना हो गया, -1। तो इसको यहाँ से 3 का गुणा कर दीजिए इसमें, 3 I1 - 3 I2 बराबर, देखिए इसमें 3 का -3, अब इसको जोड़ दीजिए, 3 में घटा दीजिए, 3 में 3 कैंसिल, ये प्लस, देखिए कितना हो जाएगा, कट गया, ये हो जाएगा हमारा 4 और 3 3 और 1 = 4 I2 बराबर यहाँ से 4 और 3 = 7, यहाँ से I2 बराबर कितना होगा, 7/4, जो कि हमारा किससे आया था, अभी जस्ट बनाया है इसको नूडल से, आपको देखिए आंसर यहाँ पर 7/4। तो मेथड बदलने से कभी आंसर नहीं बदलते। तो ये हो गया हमारा मेस मेथड से। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इसको किससे, सुपर पोजिशन थ्योरम से। चलिए तो हमको सुपर पोजिशन थ्योरम से इसको बनाना है। सुपर पोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम। तो केवल मैं एक वोल्टेज सोर्स को लूँगा इस तरीके से, तो ये करंट सोर्स क्या हो जाएगा हमारा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये हमारा 1 इस तरीके से, देखिए ध्यान से।
आपको केवल देखना है, नो नीड टू राइट, आपको देखते रहना है केवल कि मैं कैसे चीज़ों को कर रहा हूँ। आप देख के सीखिए दोस्तों, है ना, जैसे एक बच्चा सीखता है बोलना देख के, उस तरीके से आपको सीखना है कि हम कैसे चीज़ों को करते हैं, कैसे हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, गुणा भाग, हर चीज़ तो आप देख के सीखते हैं ना, वैसे इसको भी सीखिए। चलिए प्लस माइनस, प्लस माइनस तो चार बटे चार करेंगे डायरेक्ट करेंट, तो करेंट बराबर आई डेज बराबर कितना आ गया, चार बटे चार बराबर आ गया 1 एम्पियर। देखिए ध्यान से ज़रा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको शॉर्ट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए, और इसके बाद ये कितना है 3, यहाँ से करंट सोर्स कितने का है 1 एम्पियर का है, और ये कितने का है, ये 1 ओम का है। अब यहाँ से आई डबल डेज निकालना है, तो आई डबल डेज क्या हो जाएगा, करंट डिवीजन रूल, मेन करंट कितना है 1 गुणा अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच में कितना है 3 बटे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 3 और 4 कितना हो जाएगा 3/4। अब ये आई डबल डेज आ गया, अब टोटल करंट आई बराबर क्या होता है दोस्तों, आई डेज प्लस आई डबल डेज, तो आई डेज का मान कितना है 1 प्लस आई डबल डेज कितना है 3/4, 4 और 3 7/4। तो ये आपका सुपर पोजिशन थ्योरम से भी आपने आंसर को ले आया। तो सुपर पोजिशन थ्योरम आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, देखिए बहुत आसान नहीं से बनता है, तो यूज है, ब्यूटी है ये, है ना, ब्यूटी है सुपर पोजिशन थ्योरम की। तो ये थ्योरम जिनको अच्छा लगता है, थ्योरम बहुत ही पावरफुल चीज़ है, अगर जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनको थ्योरम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो मैं ये चीज़ आपको बार बार बोलूँगा कि थ्योरम्स को डरना नहीं है, थ्योरम से, है ना, थ्योरम्स हमारे सुविधा के लिए है, क्वेश्चंस को आसान करने के लिए है, है ना। तो ये चीज़ों को समझना है कि हाँ हमको सुपर पोजिशन थ्योरम दे दिया, थेवेनिन थ्योरम दे दिया, नॉर्टन क्यों पढ़ रहे हैं भाई, तो ये है उसका यूज, हम बड़े बड़े नेटवर्क को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। तो हम जानते हैं कि दोनों के लिए स्टेप 1 हमारा कॉमन रहता है। तो स्टेप 1 क्या होता है, रिमूव आर एल, तो रिमूव कर दीजिए, रिमूव हटा दो इसको, चल भाग निकल, बनो तेरा काम खत्म, निकाल दिए उसको। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फाइंड RTH। स्टेप 2 क्या होता है हमारा, स्टेप 2 फाइंड RTH। तो इसके बराबर RNT बराबर कैसे करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दीजिए इस तरीके से, और ये हमारा लोड। तो ये शॉर्ट सर्किट कर दिए तो ये कितना हो गया, देखिए यहाँ पर ये 3 ओम का है, यहाँ तो करंट जाने से रहा, ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ से ऐसे वापस आएंगे तो RTH कितना आ जाएगा हमारा, RTH बराबर RNT बराबर कितना हो गया 3 ओम हो गया, बहुत आसान है। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आए हुए क्वेश्चंस को ही आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको ये अलग ना लगे कि कॉम्पिटिशन एग्जाम अलग हो रहा है, हम अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम नथिंग है ना, कुछ नहीं है आपके बेसिक्स के अलावा, है ना, आपको रिसर्च थोड़ी कराया गया यार, है ना, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से आपको एग्जाम लेता है, आपके कंसेप्ट्स को चेक करता है, बस इतना ही काम है उसका। चलिए अब हमको स्टेप 3 है, हमको क्या करना है, वी टी एच निकालना है। तो वी टी एच कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए वी टी एच इज नथिंग बट जो यहाँ का ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, अब ये वोल्टेज इसके बराबर है, मतलब जो 1 एम्पियर सोर्स का वोल्टेज होगा वही होगा। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज मान लेते हैं हम लोग वी है, ये वी टी एच है, यही चाहे है ना, यही तो वोल्टेज है। तो देखिए ये डब्बा में इधर अंदर करंट कितना जाएगा, ये प्लस माइनस 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, ये 1 एम्पियर का है, तो देखिए 1 एम्पियर जाएगा, तो देखिए माइनस टू प्लस, और ये तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, माइनस टू प्लस 3 × 1 बराबर हमारा वी टी एच हो गया। तो यहाँ से वी टी एच बराबर आपका कितना हो गया 4 और 3 7 वोल्ट्स। अब आपका आर टी एच निकल गया, वी टी एच निकल गया, तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या रहता है, देखिए इक्विवेलेंट सर्किट में क्या रहता है, एक वी टी एच रहता है या और आर टी एच, इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसके साथ लोड को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए बहुत ही आसान चीज़ है, आपको है ना घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। ये हमारा 4 वोल्ट हो गया, 7 वोल्ट आ गया था, और ये कितना है 3 ओम है आर टी एच,
ये कितना हुआ। अब करंट निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज 7/3 प्लस 1/4, तो 7/4 इसका यहाँ से दिया है। देख रहे हैं बहुत ही आसान है, आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। देखिए एक बार, तो इस तरीके से हमने इसको थेवेनिन थ्योरम से बनाया। अब सिमिलर वे में हमको जाना है और हमको इसको बनाना है नॉर्टन थ्योरम से। चलिए, तो मैं आपको इस तरीके से एक ही क्वेश्चन को करना सिखा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हों और आप घबराएं नहीं। कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, है ना। अगर हम किसी चीज़ को कठिन मान रहे हैं, किसी चीज़ को सरल मान रहे हैं, तो इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है प्रैक्टिस। सीधा सीधा बात है, आपको प्रैक्टिस करना है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको बहुत ही आसान लगेगा, और जिन लोग बच्चे मैं देख रहा हूँ कि 200 के स्ट्रेंथ में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बाकी लोग भी पढ़िए दोस्तों, है ना। और कोई इलाज नहीं है इसका, आपको इंटरेस्ट पैदा खुद करना पड़ेगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक एक वीडियो को हमको 3-3 घंटा देना पड़ता है, तब जाके कुछ चीज़ें आपके लिए बना पा रहे हैं। तो आपको अपने लिए तो मेहनत ज़रूर करना है। मैं एक एक को फ़ोन करके, कॉल करके बोल रहा हूँ कि भैया क्लास अटेंड करो, है ना। जबकि आपको ये होना चाहिए कि सर क्लास क्यों नहीं लग रहा है, क्लास लगाइए, ये होना चाहिए। क्लास कितना टाइम लगेगा, हमको पढ़ना है, हमको जानना है, चीज़ों को जानना है, आपको हमको बताइए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा हमको होने से हमको भी आएगा कि हमको और अच्छा डिलीवर करना है और मेहनत करनी है। लेकिन हम एक एक को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भैया आप क्लास अटेंड करो, व्हाट इज़ दिस। आपको आगे बढ़ना है जीवन में, तो आपके लिए है, आप इसको मेहनत कीजिए, अपने लिए मेहनत कीजिए, अपने परिवार के लिए मेहनत कीजिए। आपके परिवार वाले आपको ये सोच के बेचे हैं कि बेटा मेरा 3 साल डिप्लोमा करने गया है, 3 साल के बाद जब वापस आएगा तो कुछ ना कुछ ले के आएगा, कुछ ना कुछ सीख के आएगा, जिससे हमारा घर चलेगा, जिससे तुम्हारा घर चलेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कई लोग क्या होता है, जैसे ही यहाँ कॉलेज में आते हैं अपना ये सब चीज़ें भूल जाते हैं और 3 साल अपना डिप्लोमा का वेस्ट करते हैं। जैसे ही डिप्लोमा से निकलते हैं फिर खाली हाथ, फिर आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ योर 3 इयर्स, है ना। आप एक एक मिनट, एक एक समय का इंसान, आपको सब चीज़ आपको लाइफ में मिल जाएगा, लेकिन समय आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। आप 1 सेकेंड अभी जो गुजर गया मेरे साथ, वो आपका कभी लौट के वापस नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है कि समय हमको दोबारा नहीं मिलेगा। तो आपको जो दिया गया समय है उसी समय में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। जब कोई चीज़ बहता रहता है, जैसे नदी बहती रहती है तो उसका पानी स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, जैसे ही पानी जमा होता है उसका पानी खराब हो जाता है। वैसे ही आप है, अगर आप समय के रहते आप पढ़ लिए और निकल गए, जॉब पा लिए, तो आपका अच्छा है। अब जैसे ही रुक गए, ब्रेक लग गया, नहीं लगे, तो ये चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं और आपको रिकवर करने में बहुत समय लग जाता है। और कई लोग तो अपना सब चीज़ खोद लेते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में आपसे को क्लियर रखना है कि इन चीज़ों के बारे में आप जितना ज़्यादा दूर हो उतना दूर रहिए, दुर्व्यसन से दूर रहिए, नशा पानी शराब से दूर रहिए और अच्छे से अपने जीवन को बनाइए। एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, आपके लाइफ सेटल है, है ना। अभी जेई का स्टार्टिंग पेमेंट आपका 50,000 से स्टार्ट होता है, है ना। और अगर आप रेलवे में जेई बनते हैं तो 5 से 6 साल में आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनेंगे, लाख रुपये ज़्यादा तनख्वाह रहेगा। तो इन चीज़ों के बारे में सोचा करो ना यार, आप सोचते ही नहीं हो इस चीज़ के बारे में। आप दुनिया भर के मस्ती मजाक में लगे हुए, दूर आओ उनसे, दूर आओ। और है ना, क्या होता है, आदमी का माइंड का कंसंट्रेशन 20 मिनट का रहता है, उसके बाद वो सोचना बंद कर देता है। इसलिए मैं 20 मिनट के बाद कुछ ना कुछ आपको बोलता हूँ ताकि आपके माइंड फिर से आपका रनिंग में आ जाए। चलिए, तो हम नॉर्टन थ्योरम बना रहे थे। नॉर्टन थ्योरम क्या बोलता है कि हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ता है, यहाँ VTH ओपन सर्किट वोल्टेज था, VTH इज़ नथिंग बट VOC, और ये हमारा क्या है, INT इज़ नथिंग बट ISC। तो कई बार हमको VOC दिया रहता है,
ओपन सर्किट वोल्टेज दिया रहता है और ISC दिया रहता है, हमको RTH पूछता है, तो RTH क्या हो जाएगा हमारा VOC बाई ISC, याद रखिएगा इसको कभी अगर किसी एग्जाम में आ गया तो इसको नोट करके रखेंगे आप। चलिए हमको निकालना है, आपको यहाँ से INT निकालना है, बहुत आसान है, आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे टेकिंग वन सोर्स, तो ये इसका ओपन हो जाएगा 4/3, तो यहाँ से I-dash बराबर कितना आ गया आपका 4/3 आ गया। और जैसे ही अगर आप 1 ओम को लेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, तो ये पूरा करंट यहाँ चला जाएगा, तो I-dash इसका कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा, देखिए I-dash प्लस I-dash बराबर कितना हो गया 4 और 1 1 + 4/3 = 7/3। अभी आपको क्या करना है, आप इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या रहता है, देखिए इक्विवेलेंट सर्किट में क्या रहता है आपका ISC, यहां पर कितना है 7/3 है, और ये हमारा ये 3 निकाले थे RTH, वही कितना 1 है, तो यहाँ से करंट निकालना है। तो आई लोड क्या होगा, मेन करंट 7/3 इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस 3/टोटल रेजिस्टेंस 3+1 तो 3 कट गया 7/4, मतलब एम्पियर आपका करंट आ गया, जो कि आपका हर चीज़ से है। बहुत आसान है दोस्तों, आपको क्या करना है, मेहनत करना है, टेक्निक्स का यूज करना है और देख के सीखना है मैं कैसे चीज़ों को बना रहा हूँ और कैसे हम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमको बनाना है, ये क्वेश्चन आपका IAS एग्जाम 2009 में आया था, UPSC IAS 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन, आपको इसको 5 मेथड से बनाना है। चलिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे नोडल विधि से, फिर हम मेस में जाएंगे, हर विधि से हमको इसको बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को ट्राई करना है, थेवेनिन से, नॉर्टन से, सुपरपोजिशन से, इसी से तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, आपको समझ में आता है कि हम एक क्वेश्चन को हर मेथड से बना पा रहे हैं, है ना, यही तो टैलेंट है। आप एक क्वेश्चन को एक मेथड से नहीं है, आप 5 मेथड से बना रहे हैं, यही तो आपका टैलेंट है। चलिए, तो अगर ये चीज़ें आप शो कर पाते हैं, ये चीज़ें आप बना पाते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर हैं, तब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट के DC नेटवर्क को पूरा समझ गए हैं। इसके बाद कुछ नहीं बचा है दोस्तों, मेरे को मुश्किल से 3 से 4 लेक्चर लगेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरे से क्वेश्चन बन रहा है, मैं अभी आपको 100 क्वेश्चन भेजने वाला हूँ, जिसको आपको बना के असाइनमेंट के रूप में हमको देना है, ताकि हम श्योर हो पाए कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं इसको एक एक बच्चे का इंडिविजुअली चेक करूँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस दूंगा मैं अभी ग्रुप में भेजूंगा, उसको इंडिविजुअली बनाना है और नाम लिख के बकायदा भेजना है। जो भी बच्चा नहीं बना पाएगा या 2 बच्चे का राइटिंग अगर सेम हुआ है ना, तो आप उसके जिम्मेदार स्वयं रहेंगे। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ ताकि पर्सनली एक एक को अपन कर पाएँ, है ना, तो ये चीज़ें क्लियर रखना। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन मैं दूंगा नहीं, आपको क्वेश्चन भेजूंगा, आपको बना के बताना रहेगा। चलिए, ये क्वेश्चन दिया है हमको, इसको पहले थेवेनिन नॉर्टन सबसे बनाएंगे, 5 मेथड से सब पहले हम बनाते हैं इसको, हम लोग के फेवरेट, आप लोग के फेवरेट नोडल एनालिसिस। चलिए, मैं नोडल और मेस से इसको बना के बताऊंगा, बाकी आपको क्या करना है, दूसरे मेथड से आपको बना के इसको बनाना है एस लाइक होमवर्क। मैं आपको नोडल और मेस से बनाना सिखा रहा हूँ, बाकी आपको बाकी 3 मेथड से आपको बनाना है, आपका आंसर आएगा। चलिए, पहली बात तो ये कि हमको निकालना क्या है यहाँ का करंट। इसके लिए अगर मैं इसको नोडल विधि से बनाऊंगा, तो इसके लिए मेरे को एक ग्राउंड चाहिए, एक रेफरेंस मान लो, ग्राउंड, ये ग्राउंड वोल्टेज 0,
इस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ का वोल्टेज तो मेरा 3 वोल्ट दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 वोल्ट हटा देता हूँ इसको, यहाँ से वोल्टेज नहीं पता, इसको V मान लेता हूँ। अगर मैं यहाँ का वोल्टेज V निकाल लिया तो मेरे से कहानी आसान हो गई, फिर तो हमारे से क्वेश्चन बन गया। बस ये आपको दिमाग लगाना है कि आपको क्या चीज़ें करनी, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने यहाँ का वोल्टेज 0 मान लिया, यहाँ का वोल्टेज V मान लिया, यहाँ का ग्राउंड से 3 वोल्ट है, तो हमको इसमें क्या करना है, इसके क्रॉस हमको करंट निकालना है। देखिए KVL लगाई सब करंट के बाहर, तो क्या हो जाएगा V माइनस, यहाँ ये अपोजिट है तो 3/2 प्लस है ना, प्लस है तो माइनस होगा ना, तो V माइनस 3/2 प्लस, यहाँ से जा रहा है तो V बाई 1 और यहाँ से कितना जा रहा है -6 = 0, तो यहाँ से आपका देखिए गुणा कर देंगे 2 से तो कितना जाएगा, ये हो गया हमारा V माइनस 3 प्लस 2V माइनस 6 × 12 को इधर ले लीजिए, 12 और 3 यहाँ से आगे कितना हो गया 15, 2 × 1 3 वोल्ट = 3 × 12 = 15, तो यहाँ से V बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आ गया। अगर V का मान 5 वोल्ट आ गया तो करंट कितना हो जाएगा, देखिए 3 - V, V का मान 5/R का मान 2, 3 में से 5 गया तो 2/2 कर देंगे 1 एम्पियर, तो यहाँ ये गलत हो जाता है दोस्तों, ये -2 हो जाएगा तो -1 एम्पियर इसका करंट आ जाएगा। तो ये चिन्हों को नहीं भूलना है कि हम छोटे से बड़े को घटा रहे हैं, तो 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा ना, आपका पहला ऑप्शन 1 रहेगा। हाँ चालू है ना इन लोग, UPSC है, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तुम लोग, अनप्रिडिक्टेबल है ना UPSC। तो इन चीज़ों के बारे में आपको देखना है, देखिए कितना आसानी से मैंने इसको बना लिया, क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा है, बड़े दिखने से मतलब नहीं है, आपको स्मार्ट अप्रोच से मतलब है, इसलिए तो बोला गया है ना स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क नहीं। अब इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा इतना बड़ा क्वेश्चन 30 सेकंड में कैसे बनाऊंगा, देखिए 30 सेकंड में कैसे बनता है, मैं आपको इसको समझाने के लिए बनाया हूं तो मेरे को 40-50 सेकंड लग गया, इसको मैं अपने लिए बनाता 10-20 सेकंड में आंसर आता। तो इन चीज़ों के बारे में हमको सीखना, ठीक है। चलिए इसको मैं मेस मेथड से बताऊंगा, उसके बाद आपको थेवेनिन नॉर्टन सुपरपोजिशन सबसे आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए चलिए दोस्तों, इसको मैं क्या करना है आपको, यहाँ से इस तरीके से इसमें मान लेते हैं I1 करंट, इसको हटा देते हैं, इसको I2 और इसमें यही करंट मान लेते हैं जो है ना, उसी को मान लेते हैं 6 एम्पियर, ये आ जाते हैं इसमें, ये भी कर सकते हो, इतना करोगे तो ज़्यादा आसान हो जाता है करंट देखना। अभी मैं इसको प्रूव भी करूँगा कि इसमें 6 एम्पियर ही करंट फ्लो होते हैं। अगर आप ये 6 एम्पियर मतलब करंट सोर्स है, अगर ये खाली ये डिब्बा रहता तो ये 6 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो होता। अब देखिए यहाँ से I2 आ रहा है तो I2 और ये 6 दोनों एक साथ आएंगे ना, इधर से देखिए इधर से I2 आ रहा है, इधर से 6 आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट I3 लेने की जगह 6 ले लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा, है ना। जैसे लोग हम 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं सेम चीज़ों का, इसलिए हम लगभग 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 1000 हर साल नए बैच आते हैं तो हर साल क्वेश्चन कराते रहते हैं, 1000, 2000, 3000 कितने नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो ये चीज़ें हम प्रैक्टिशनर हैं इसलिए आपसे आज सही सीख रहे हैं, आप अभी बिगिनर्स हैं तो आपको इस तरीके से इसको करना है। चलिए इतना कर लेंगे, उसका कोई तकलीफ नहीं है आपको। निगेटिव पॉजिटिव गया कितना हो जाएगा, देखिए निगेटिव पॉजिटिव +3, अब ये +2 - यहाँ से करंट इंटर कर रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से ऐसा जा रहा है, तो I1 - I2, जितने लोग को ये समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल जाके आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको उस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3I1 - देखिए 3 और 3 को कटा भी सकता हूँ मैं, ये 3 और 3 दोनों से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको बराबर इतना लिख देते हैं, चलिए
तीन से तीन कट गया तो आई वन माइनस आई टू बराबर कितना हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन। यहाँ पर इक्वेशन लगाइए प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, प्लस टू माइनस माइनस टू आई टू, प्लस टू माइनस माइनस। अब यहाँ से आई टू प्लस सिक्स हो जाएगा ना वन, ये वन और ये आई टू इधर से आ रहा है देखिए, यहाँ से ये सिक्स आ रहा है तो आई टू प्लस सिक्स हो जाएगा। एकदम करेक्ट है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। देखिए आगे, अब देखिए एक मिनट, इसको और बचा है ना यहाँ पर प्लस टू माइनस माइनस थ्री आई टू माइनस आई वन, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये माइनस टू आई टू अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस आई टू माइनस सिक्स माइनस थ्री आई टू माइनस माइनस प्लस थ्री आई वन बराबर में इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो कर दीजिए। दो और एक तीन, तीन और तीन छः, तो माइनस सिक्स आई टू और ये प्लस थ्री आई वन, अब छः को उधर ट्रांसफर कर दो तो कितना ज़्यादा छः। अब हमको मतलब क्या है यहाँ के करंट से है, तो यहाँ का कौन सा करंट है, आई टू है, तो आप आई वन को इलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ से इलिमिनेट करेंगे इसको, तो इसमें तीन का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा थ्री आई वन माइनस थ्री आई टू बराबर थ्री। आया समझ में दोस्तों, यहाँ तक ठीक, ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब देखिए माइनस छः में से तीन गया कितना बचेगा, रेड तीन आई टू बचेगा ना, ये रेड तीन बचेगा। अब छः में से तीन गया कितना बचेगा, तीन बचेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आई टू बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन एम्पियर। तो माइनस वन एम्पियर आपका हमने नोडल मेथड से बनाया था तब भी आया था। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी कि मेथड बदलने से कभी आपके आंसर्स नहीं बदलते। अगर आपने ध्यान से सुना है, ध्यान से देखा है, तो थियोनिन्स नॉर्टन और सुपरपोजिशन थ्योरम से आप इसको बना सकते हैं। मैं कल चेक करूँगा, नहीं बनेगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको बना के बताऊँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपने इतने अच्छे से मेरे को सुना उसके लिए भी आपको धन्यवाद। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए दोस्तों, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए, जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके दूसरे कॉलेजेस के फ्रेंड्स हैं, उनको बताइए कि लेक्चर्स यहाँ पर चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको डेली बेसिस पे क्लास लग रही है, आप मैथमेटिक्स भी सीख सकते हैं जिनका वीक है, तो ये कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।